जीएन भारत, जन जन तक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार भाजपा की केंद्र सरकार के गलत नीतियों के विरोध में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले महंगाई तथा तीन काले कृषि कानून कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण वल्लभ आश्रम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए बरही के विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि भाजपा सरकार ने कहा था कि महंगाई पर अंकुश लगेंगे, पर महंगाई आज चरम सीमा पर है। पेट्रोलियम पदार्थों तथा खाद्य सामग्री के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार, सरसों तेल 200 रुपये के पार और रसोई गैस 1000 के पार पहुँच गई है। तीन काले कृषि कानून को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लेने के सवाल पर विधायक अकेला ने कहा कि जब तक तीन काले कानून लोकसभा में पारित नहीं होंगे तब तक ये जुमला की सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो एक साल एक महीना से भारत के किसान सड़कों पर बैठे हुए थे कृषि तीन काला कानून के विरोध में, वो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, घोषणा किया है कि तीनों काला कानून को मैं वापस लाऊंगा। कहीं उनकी तपस्या में यानी कि गलती हो गई है, उनका जुमला वाला बात है। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, जब तक पार्लियामेंट में एक तीनों काला कानून वापस नहीं होता है तब तक इन पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए राजेश सेठी जी ने कहा है कि जब तक MSP लागू नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, मैं उसका समर्थन करता हूं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।